हे गाइज वेलकम दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्नैपपिट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों इसके बारे में हम आज जानेंगे और बात करेंगे कि क्या एप्लीकेशन रियल है या फेक है, या पैसे हमको देती है या नहीं देती है। सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके सबसे पहले देखेंगे तो 4 पॉइंट की रेटिंग इसको मिल जाती है, 4.0 की। 12 MB का ये एप्लीकेशन है, 100K+ इसके डाउनलोडिंग है। अगर इसके कमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं कि वेरी गुड कमेंट है, यानी अच्छे कमेंट है, अच्छे रिजल्ट हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके इसे सीधे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे ओपन जस्ट कर लेते हैं। जब गाइज इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ओके लेट्स गो का ऑप्शन आपको दिखता है ग्रीन कलर में, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे परमिशन मांगता है, इसे आप अलाउ करते जाइए। जितने भी परमिशन मांगेगा उसको आपको अलाउ करते जाना है। तो गाइज देख सकते हैं मैं सारे परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, यानी एक्सेस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे देखेंगे, आपको होम का, लोन का, पेमेंट का, प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है। जैसे यहाँ पे लोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हम बता रहा है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डाल के अप्लाई कीजिए। यहाँ पेमेंट का ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी मैं वही प्रोसेस बोल रहा है। यहाँ प्रोफाइल अपना सेम मनी मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। यहाँ पर अगर अप्लाई ऊपर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लाख रुपये तक का आपको लोन यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पहले हमें मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल के अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, जो यहाँ पे इंटर करके आपको जो है कि अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर OTP डाल के अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं मैंने OTP भी डाल दिया है। अभी यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ वेरीफिकेशन एरर बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सही। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मेरा जो है कि अकाउंट वेरीफाई हो गया है और फिर उसी प्रोसेस पे यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है अप्लाई का ऑप्शन, तो हमको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी दिया जा रहा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपको फेस रिकॉर्डिंग करना होगा। यहाँ पे ऊपर वाले जब क्लिक करेंगे तो फेस रिकॉर्डिंग करना होगा, उसके नीचे यहाँ पे पैन कार्ड डालना होगा, उसके नीचे यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो डालना होगा, आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और पैन कार्ड का बैक का फोटो यहाँ पे डालना होगा बता रहा है। और यहाँ पे आधार कार्ड का बैक का फोटो यहाँ पे आपको डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या डालना होगा, यहाँ पर फुल नेम डालना होगा, बर्थडे, आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर करेंट प्रोवेंस डालना होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, यानी जो जहाँ का भी है, दिल्ली वगैरह जो, वहाँ का डालना होगा। करंट सिटी डालना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डालना होगा। डिटेल एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड डालना होगा, और यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे मैरिज स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, टाइप ऑफ एकॉर्डमेशन, यहाँ पे लोन जो पर्पस का है, फैमिली फाउंडेशन, हॉलीडे के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, अदर पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे ये सब डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको जो है कि यहाँ पे इंडस्ट्री डालना होगा, चूज़ करना होगा, यहाँ पे जो भी आप ड्राइवरी जो भी मतलब क्या काम करते हैं वो सब यहाँ पे चूज़ करना होगा। यहाँ पर कंपनी नेम डालना होगा, यहाँ पे मेथड डालना होगा, यानी बैंक ट्रांसफ़र, कैश, या जैसे भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर मंथली सैलरी आपको डालना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशनशिप डालना होगा। रिलेशनशिप में आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड जो भी यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर जो भी यहाँ पर है उसके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा। उसको नेम, फ़ोन नंबर,
रिलेशनशिप नेम फोन नंबर दोनों डाल के यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो ये चारों को जब आप पूरा कर लेंगे गाइज, यहाँ पर ये जो आपको ट्रिक दिखाई दे रहा है ये सब ट्रिक जो ग्रीन ट्रिक हो जाएंगे तो आप इसके लिए जो है अप्रूवल हो जाएंगे। उसके बाद आगे का जो है कि जो आगे का प्रोसेस है वो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना होगा, बस आपको आपके सामने आ जाएगा लोन लेने का ऑप्शन। तो उसमें कितना सेलेक्ट करना है, अमाउंट भरना है और आपको लोन पर अप्लाई कर देना है, बस इतना ही काम करना है। मेरे को नहीं लोन लेना है तो मैं इसको वेरिफिकेशन भी नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये 100% रियल एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ मजाक नहीं करना चाहता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी तो लाइक और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।